हरियाणा के बहादुरगढ़ में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज एक किसान ने फांसी लगा ली। किसान ने सेक्टर 9 बाईपास के पार्क में पेड़ से लटक कर जान दे दी है। किसान की पहचान जिंद के सिंगवाल गांव के कर्मवीर के तौर पर हुई है। मृतक कर्मवीर के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पंजाब सदियों से कृषि प्रधान राज्य का गौरव पाता रहा है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक जल स्रोतों, उपजाऊ भूमि और संजीवनी हवाओं के कारण जाना जाता था। बंटवारे के बाद ढाई दरिया छीने जाने के बावजूद बचे ढाई दरियाओं वाले प्रदेश ने देश के अन्न भंडार को समृद्ध किया है। गुरुवाणी में बिजाई को शुभ कारज कार के साथ साथ बुनियादी कारज भी कहा गया है। पंजाब का सारा आर्थिक और सामाजिक इतिहास खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। बिहार के मोतिहारी में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसके शव को जला दिया, लेकिन पुलिस के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगी। जब पीड़ित परिवार थाने में शिकायत दर्ज कराने गया तो पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर एक एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग की है। इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इन स्कूलों की स्थापना से छात्रों को सस्ती व गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। बहराइच में पुलिस व एसएसबी की टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 महिला तस्करों को 18.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला तस्कर नेपाल से जंगल के रास्ते होते हुए हरिद्वार जाने की फिराक में थी। पुलिस ने महिला तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बरामद चरस की तस्कर 50 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। आवासीय विद्यालय की रैंकिंग में फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में राज्य नियोजन संस्थान के 2 आईएएस अफसरों समेत 11 अधिकारियों पर जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी का केस दर्ज किया गया है। आरोपी अफसरों में आईएएस अंकित कुमार अग्रवाल और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी भी शामिल हैं। अंकित वर्तमान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष हैं। वहीं ज्ञान प्रकाश विशेष सचिव नियोजन है। नियोजन की मूल्यांकन अधिकारी रही महिला की शिकायत पर जांच के बाद राजधानी के महानगर थाने में यह केस दर्ज किया गया है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रोड बदलने वाले 2 संगठनों को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर की नींव खुदाई का निरीक्षण किया है। वे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रामकथा संग्रहालय में मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने मणिराम दास छावनी महंत नेत्र गोपाल दास से मुलाकात की। महंत नेत्र गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में नए कृषि कानूनों का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि साल 2003 से एपीएमसी मॉडल एक्ट और ठेके पर खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे सुधार यहां चल रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों में भी जो भी प्रावधान किए गए हैं उन पर तो महाराष्ट्र में पिछले 1.5 दशक से अमल हो चुका है। यहां 20 सालों से पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, लेकिन सितंबर 2020 में नए कानून जारी होने पर प्याज निर्यात बंदी स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद से महाराष्ट्र के किसानों का नए कानूनों पर विश्वास कम हो गया है। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज को बाहर रखा गया था, लेकिन कुछ उपनियमों का आधार लेकर प्याज पर अव्यवहारिक स्टॉक लिमिट लगाई गई, जिससे किसान परेशान हो गए थे। स्टॉक लिमिट के कारण मंडी में प्याज की नीलामी ठप हो गई, प्याज के भाव गिर गए, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था। तमिलनाडु के चेन्नई से 30 जनवरी को अगवा किए गए नौसेना के 26 वर्षीय नाविक को महाराष्ट्र के पालघाट जिले के जंगलों में जिंदा जला दिया गया था। बुरी तरह से झुलसे नाविक की अस्पताल में मौत हो गई।